नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, इस बार 15 मई सोमवार के दिन मनाई जाने वाली है अपरा एकादशी। कुछ लोगों को काफ़ी डाउट है कि एकादशी 14 की है या 15 तारीख की है। दोस्तों, 15 तारीख की ही है और पारणा 16 तारीख को होगा, मंगलवार के दिन। अपरा एकादशी की जानकारी दूं, उसके पहले आप सभी को बता दूं कि यदि आपको मुझसे बात करनी है तो सिर्फ उसी नंबर को डायल करें जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है। कॉलिंग बहुत दिनों के बाद मैंने शुरू की है। शायद इसकी वजह से इतने कॉल्स आते हैं दोस्तों कि कंटिन्यू फ़ोन चालू ही रहता है। और इसमें ये हो रहा है कि जिन्हें कोई मतलब नहीं है ऐसे लोग भी कॉल कर रहे हैं। इसलिए मैंने माइनर से फीस रखी है जिसकी वजह से वो लोग बात कर सके जो सच में ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें ज़रूरत है बात करने की। तो माइनर से फीस है, आप जमा कराएं, अपॉइंटमेंट लें और बात करें। दोस्तों, अपरा एकादशी स्पेशल, ये जो एकादशी है ये व्यक्ति की आर्थिक तंगी दूर करने की एकादशी है। आर्थिक तंगी दूर करने की ये बहुत बढ़िया एकादशी है। हर एकादशी का एक अलग अलग महत्व होता है और इस एकादशी का महत्व ही है धन लाना। जो गरीब हैं या जिनके घर में धन टिकता नहीं है वो लोग आज के दिन वो तमाम उपाय करें जो करने के लिए मैं बता रही हूँ। तमाम ना भी कर पाए तो उतने उपाय तो जरूर करें जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन आप उपवास रखें, यदि आप रख सकते हैं आज के दिन फास्ट करें। आज के दिन यदि आप उपवास रखते हैं तो इससे घर की आर्थिक तंगी जो है वो दूर होती है। आज के दिन गलती से भी घर में पानी का व्यय ना करें। ज्येष्ठ महीना की ये एकादशी दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। पानी का बहना घर से पैसों को बहा ले जाता है, आर्थिक तंगी ले आता है। आज कोई भी हिंसक कार्य ना करें, झूठ ना बोले, व्यभिचार ना करें। एक समय भोजन करके और दिन में फलाहार करके आप उपवास कर सकती हैं, चावल ना खाएं। जिनके कुंडली में पितृदोष है उन्हें भी आज के दिन उपवास करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके कुंडली में पितृदोष है तो आपके घर में कभी कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। घर में एक न एक व्यक्ति बीमार ही पड़ा रहेगा, बिना वजह की कलेश होती रहेगी, घर में धन नहीं टिकेगा। आज के दिन जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है उन तमाम लोगों को शिव जी के मंदिर में जाकर के काले तिल डाल करके दूध में और अर्पित करना चाहिए, ओम नमो पितृदेवाय नमो नमः बोलते हुए। पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, पीपल के पेड़ पर भी जल में काले तिल डालें और ओम नमो पितृदेवाय नमो नमः बोलते हुए पीपल की पूजा करें। आज के दिन पीपल के पेड़ पर जो लोग 11 घी के दिए जलाते हैं दोस्तों, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन कोशिश करें पीपल के पेड़ पर 11 घी के दिए जलाएं। आज स्नान आदि करके पीले कलर के कपड़े पहनें। घर में पीले कपड़े के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। भगवान नारायण की स्थापना माता लक्ष्मी के साथ करें। माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प या गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें और भगवान श्री हरि को गेंदे के पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान के आगे लड्डू का प्रसाद रखें, घी का दिया लगाएं और 11 अगरबत्ती जलाएं। आज घर में ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करने से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर होती है। 11 माला का जाप करें। सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो हथेली दर्शन करने के बाद आपको 11 बार इसी मंत्र को बोल देना है, ओम ह्रीम श्रीम
लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से घर में हमेशा माता लक्ष्मी आती रहती है, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। आज के दिन लक्ष्मी नारायण के साथ में पूजा करने से पति पत्नी का जो लाइफ है, जो दाम्पत्य जीवन है, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलेश नहीं होती है, मन मुटाव नहीं होता, कोई भी तरह की कोई कलेश डेवलप नहीं होती। जो घर के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में लोग जो हैं वो एक मत रहते हैं, परस्पर एक मत रहना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई जगह लोग मन से जुड़े हैं पर मत से जुड़े हुए नहीं होते। जब मत से नहीं जुड़ते, एक मत नहीं होते हैं, तो भी लड़ाई झगड़ा होता है ना। जहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ कभी धन नहीं टिकता, कोई देवी देवता वहाँ नहीं आते। जहाँ कुमति होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग मति हो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है, अच्छी मति है, वहाँ तरह तरह की संपत्ति होती है। संपत्ति के भी बहुत अलग अलग रूप होते हैं, तो वहाँ तरह तरह की संपत्ति होती है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति है वहाँ बस विपत्ति ही विपत्ति आती है। तो सबकी मति, जो मत है आप सबका, वो एक मत होते हैं लोग। अपरा एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर के लोग एक मत होते हैं। आप देखना कई परिवार में एक दो तो ऐसी मंथरा बैठी ही हैं जो घर को एक नहीं होने देती। उनके टारगेट में ही होता है घर से ननंद को अलग करना है, ये वाली देवरानी को अलग कर देना है, उस जेठानी को अलग कर देना है, और सबको अपने अंडर में रखना है और समय समय पर सबसे अपना काम निकलवाना है। तो ऐसी जो कुमति जिनके घर में है, एक मंथरा ने राम जैसे राम को वनवास में भेज दिया था, और अभी तो घर घर में मंथरा है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्ता क्या होगा है। बर्बाद गुलस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। कितना भी बढ़िया गुलस्ता हो, अगर उल्लू उसमें बैठा है बर्बाद कर देगा। तो यहाँ तो डाल डाल पर, हर डाल पे उल्लू बैठा है, तो अंजामे गुलस्ता क्या होगा। आज जो परिवारों में इतना विखवाद है, मन मुटाव है, इसकी वजह ये है। कुमति अपरा एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, राम की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, घर में भगवद गीता का पाठ करें। आप देखेंगे उन्नति ही उन्नति होती चली जाएगी। कोशिश करें आज पीले कलर के कपड़े पहने, जितना ज्यादा हो अपने गुरु का भी ध्यान करें। कहते हैं निर्गुणा व्यक्ति को सुबह उठकर उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। निर्गुणा व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, वो किसी चीज में फिक्स नहीं होता। आज ये बोल रहा है कल कुछ और बोलेगा। गुरु का ध्यान, कुछ भी करो उसके पहले गुरु का ध्यान जरूर। आज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, आप देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहें, हमेशा खुश रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।